माय नेम इज आरकेएस सर, बीटेक आईटी धनबाद एंड अथरा प्रोडो सॉल्यूशन। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अच्छे होते हैं उनको मैं अपने यूट्यूब के अंदर अपलोड कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, और इसको मैं अपने प्लेलिस्ट में मतलब अपने यूट्यूब के अंदर ऐड कर दूँगा। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है, ये आइस है, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है। कह रहा है कि अगर ये आइस मेल्ट हो जाए तो इस H1 और इस H2 पे क्या असर पड़ेगा। व्हेन आइस मेल्ट मेल्ट व्हाट इफेक्ट ऑन H1 एन एच टू। ठीक है, क्या असर पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया इसके लिए, सपोज करो ऊपर का जो वॉल्यूम है ना, मैंने उसको V1 मान लिया। सॉल्व करने के लिए जो ऊपर का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैंने V1 मान लिया और इस वॉल्यूम को ने V2 मान लिया। मान लिया ऑयल की डेंसिटी इज रो नॉट, वाटर की डेंसिटी इज रो डब्ल्यू, एंड आइस की डेंसिटी मैंने रो आई मान लिया। और इस डायग्राम से एक चीज़ तो क्लियर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ऐसे कई क्वेश्चन ने बताया भी है तुमको बीच में रख के, इससे समझ में आ रहा होगा कि सबसे हल्की ऑयल है उसके बाद ये, उसके बाद ये। दैट मीन्स ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा, रो डब्ल्यू इज मोर देन रो वन इज मोर देन रो नॉट। ये कंडीशन इस डायग्राम से बता सकते हो। अच्छा, इस आइस को मेल्ट होने के बाद, आइस जब मेल्ट होगा तो इतना वॉल्यूम का जगह खाली करेगा, बट मेल्ट होने के बाद जो बनेगा वो इसको भरने आएगा। हमें देखना है कि ये जो जगह जब खाली होगी, मतलब इस डायग्राम को तुम अगर ऐसे बनाते हो, एक बात कह रहा हूँ सुनते रहना, एक सेकेंड। ये है, ये ऊपर की ओर मैंने ये खाली जगह मैंने बना दिया ऐसा। मतलब तुमको सही से देखना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये ऊपर वाटर है, ये ऑयल है, और ये खाली जगह, और इम्पटी बना दिया, इम्पटी कर दिया। इम्पटी मतलब इसी को फिल किया जाएगा, जो ये मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद जब वाटर बनेगा तो इस इम्पटी जगह को फिल करेगा। अब अगर कम हो गया तो समझेंगे, ज़्यादा हो गया तो समझेंगे। चलो अब बात करते हैं इसको मेल्ट होने के बाद, इसका जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मास क्या है, आइस है ना, तो आप लिखेंगे रो वन वी वन प्लस वी टू, रो आई वी वन प्लस वी टू, ये टोटल मास बन गया। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, जब ये मेल्ट होगा तो इतने का क्या बनेगा, वाटर बनेगा, तो आप इसको लिखेंगे रो डब्ल्यू इन टू फॉर्म वॉल्यूम भी। ये क्या है, मास ही तो है, इसका मास मेल्ट किया तो वाटर बना, वाटर वॉल्यूम भी आया। इससे तुम एक लाइन लिख सकते हो, द फॉर्म वॉल्यूम भी इज रो आई अपान रो डब्ल्यू इज टू वी वन प्लस वी टू। ये फॉर्म वॉल्यूम है बेसिकली, फॉर्म वॉल्यूम। अब इसमें रो आई जो है रो डब्ल्यू से कम है, रो आई रो डब्ल्यू से कम है, दैट मीन्स इतना तो क्लियर हो गया कि अगर रो आई रो डब्ल्यू से कम है तो पूरी वैल्यू वी वन प्लस वी टू से कम हो जाएगी। नहीं, अगर रो आई रो डब्ल्यू से कम है मतलब ये वैल्यू वन से कम है, दैट मीन्स यू कैन से दैट कि फॉर्म वॉल्यूम इज लेस देन वी वन प्लस वी टू। तो जो फॉर्म वॉल्यूम होगा वो वी वन प्लस वी टू से कम है, दैट मीन्स एच टू जो होगा वो ड्रॉप करेगा, क्योंकि जो फॉर्म वॉल्यूम हुआ वो इस इम्पटी जगह को भरने जाएगा, लेकिन भर नहीं पाएगा पूरी तरीके से क्योंकि फॉर्म वॉल्यूम कम आ रहा है, दैट मीन्स ये हाइट डिक्रीज करेगा, तो एच टू डिक्रीजेस, दैट मीन्स यू कैन से दैट एच टू विल
डिक्रीज, एच टू विल डिक्रीज। तो आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं, एच टू पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज, तो ये लेवल डिक्रीज करेगा। अब आपको बात करना है एच वन पे क्या असर पड़ेगा। एच वन पे, एच वन के लिए मुझे ये देखना है कि क्या इस वी एफ की वैल्यू, ये जो फॉर्म वॉल्यूम है, वो वी टू से ज्यादा है कि नहीं। अगर फॉर्म वॉल्यूम वी टू से ज्यादा हो गया, अगर फॉर्म वॉल्यूम वी टू से ज्यादा हो गया तो एच वन राइज करेगा। मतलब आपको ये बताना था, वन सेकेंड, जस्ट एक ये कह रहा था कि ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करेंगे कि वी टू में इस फॉर्म वॉल्यूम में क्या रिलेशन है इसमें, तो क्या ये फॉर्म वॉल्यूम वी टू से ज़्यादा है कि कम है, ये चेक करना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया ना इसका, इस पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, द वेट वाला कॉन्सेप्ट। तो तुम क्या लिखोगे, रो वन इज टू वी वन, रो आई इज टू वी आई। तो ये वेट है, यहाँ का जो वेट आएगा रो आई इज टू वी वन प्लस वी टू, एंड दैट शुड बी बैलेंस बाई, बैलेंस बाई नेट बायंसी फोर्स। तो डिस्प्लेस लिक्विड्स रो नॉट इंटू वी वन लिखोगे, रो नॉट इंस टू वी वन, रो नॉट ऑयल इंस टू वी वन प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है वाटर डिस्प्लेस्ड। ये एक्चुअली पता है ना कि जो वेट होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट क्या होगा, ये तो एक्चुअल वेट है आइस का, आइस का। और डिस्प्लेस लिक्विड का वेट क्या होगा, रो नॉट वी वन इंटू जी प्लस रो ऑफ वाटर वी टू इंटू जी, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से देखो, जी का टर्म कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, और यहाँ से मुझे वी वन प्लस वी टू की जो वैल्यूम है। अच्छा एक बात बताओ, मास तो चेंज हुआ नहीं ना, मास तो चेंज हुआ नहीं, ये मास है जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा, रो आई इंटू वी आई। तो इसी मास को तो कन्वर्ट होना है वाटर के वॉल्यूम में, तो कितना वॉल्यूम बनेगा वाटर का, तो मैं क्या करूँगा, मास तो यही है, जी मतलब एम जी लिखे हो ना, तो जी को कट कर दो ऐसे, तो इससे मास क्या आएगा, मास ऑफ वाटर इज रो आई इन टू वी वन प्लस वी टू। ज़्यादा नहीं दिमाग लगा रहा हूँ, बस इक्वेशन से लिखते रहो, लिख लिया। अब इसी मास को वाटर में कन्वर्ट होना है, तो वाटर का फॉर्म वॉल्यूम क्या आएगा, तो वाटर का जो फॉर्म वॉल्यूम आएगा वो जो टोटल मास है ना, टोटल मास, इसी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, इसी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, जो फॉर्म वॉल्यूम हुआ। कि आइस का जो मास है वो तो चेंज हुआ नहीं, तो जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी रो नॉट अपॉन रो डब्ल्यू इज टू वी वन प्लस वी टू, ये बन गया। अब तुम देख सकते हो ये जो फॉर्म वॉल्यूम आ रहा है ना, फॉर्म वॉल्यूम क्या वो वी टू से ज़्यादा है, यस ज़्यादा है। अगर वी टू से ज़्यादा है दैट मीन्स इस वॉल्यूम से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये हाइट इंक्रीज कर जाएगी, तो एच वन पे क्या असर पड़ेगा, एच वन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और तुम्हें बता रहा हूँ, रो नॉट जो है कम है रो डब्ल्यू से, नहीं रो नॉट रो डब्ल्यू से कम है, कम है, तो पूरी वैल्यू वी वन प्लस वी टू से कम हो जाएगी। नहीं, रो नॉट जो है, अभी तो लिखे हो ऑयल की डेंसिटी कम है, देखो रो नॉट रो डब्ल्यू से कम है, तो रो नॉट अगर रो डब्ल्यू से कम है दैट मीन्स ये जो भी क्वांटिटी है वो वी वन प्लस वी टू से कम आएगी, तो वी वन प्लस वी टू से कम दैट मीन्स एच टू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर ये मैं नहीं भी लिखा होता तो सिर्फ इसी से काम चल जाता, इसी क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, तो इसको लास्ट में मैं समराइज कर दूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका मास पे जाएंगे, मास कंजर्वेशन पे, द फर्स्ट स्टेप इज मास कंजर्वेशन, सब कुछ इसी पे बेस्ड है, मास कंजर्वेशन, वॉल्यूम नहीं मास कंजर्वेशन, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा होता। सेकेंड स्टेप जो तुम यूज कर सकते हो, दैट इज द नेट बायंसी फोर्स इज बैलेंस बाई वेट, बस इसी दो कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाए। ठीक है, देखो अब अगर ये तो मैं तुमको मैं लिखते गया तो तुम्हें समझा दिया, बट ये क्या लिखा मैंने, मास कंजर्वेशन तो लिखा है, मतलब इसको अब ना अगले में तो अगर जानने के बाद में तो और इजीली हैंडल कर सकता था, कि पूछे कितना मास है, कितना मास है इसका, आइस का जो कि पिघलने जा रहा है, तो आइस का मास क्या होगा, आइस का मास उतना ही होगा जितना ऑयल और वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो इतने पार्ट का ऑयल का मास रो नॉट इंटू वी वन,
देखो ये लिखा हूँ रो नॉट इन टू बी वन, और नीचे वाला जो पार्ट है इसका वाटर का मास देखो रो डब्ल्यू इन टू, और यही जो मास है यही जो मास है यही जो मास है ये जो मास है यही ये जो मास है इसी को क्या बनाना है, वाटर बनाना है रो डब्ल्यू, तो रो डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया आ गया ये वैल्यू इतनी आ गई। अरे वैल्यू बता रहा है कि वी टू से ज़्यादा होगा, अब पूरा वैल्यू वी वन प्लस वी टू से कम होगा, तो श्योर हो कि ये डिक्रीज एच वन इंक्रीज करेगा और एच टू डिक्रीज करेगा। ओके थैंक यू।